मांगों को लेकर विकासखंड अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। आपको बता दें कि पूरा मामला नरैनी तहसील के विकासखंड अधिकारी कार्यालय से सामने आया है, जहां प्रधान संघ ने आज 15 सूत्री मांगों को लेकर नरैनी विकासखंड अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। प्रधान संघ अध्यक्ष चंद्रभान सिंह यादव और ग्राम प्रधान बाबू सिंह पटेल ने कहा कि मनरेगा में जो मजदूरों को 213 मजदूरी दी जा रही है, उसे बढ़ाकर 350 की जाए और समय से मनरेगा मजदूरों की मजदूरी का भुगतान हो, जिससे मजदूर भुखमरी की कगार में आकर अन्य प्रदेशों में पलायन करें। ऑनलाइन जो मजदूरों की हाजिरी लगती है वो ऑनलाइन ना लगे और प्रधानों के मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। इन्हीं सब 15 सूत्री मांगों को लेकर आज खंड विकास अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेज मांग की। इस मौके पर प्रधान संघ अध्यक्ष चंद्रभान यादव, प्रधान बाबूलाल पटेल, जयराम त्रिपाठी, मुन्ना यादव, प्रधान संघ के महासचिव कमलेश कुमार, प्रधान भैरम दीन, प्रधान गंगा दीन, प्रधान आशीष गौतम, प्रधान पप्पू और समस्त ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान इस मौके पर मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश कुमार वर्मा है। किस पद पे हैं? प्रधान अतर्रा ग्रामीण और प्रधान संघ महासचिव विकास खंड नरैनी। ये कहाँ आए हुए हैं आज आप? आज हम लोग अखिल भारतीय प्रधान संगठन के तत्वाधान में नरैनी ब्लॉक में समस्त प्रधानों के सहित हमारी 15 सूत्रीय मांगे हैं। हमने एक मांग श्रीमान खंड विकास अधिकारी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। हमारी 15 सूत्रीय मांगे हैं। 15 सूत्रीय मांगों में गांव देहात में जैसे मोबाइल में टावर नहीं पकड़ता, वो हाजिरी में दिक्कत होती है, तो उसको कैंसिल करके पुरानी व्यवस्था लागू की जाए। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जो द्वारा की गई घोषणा के क्रम में 5 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृत के अधिकार पंचायतों को प्रदान किया जाए और मनरेगा के भुगतान हेतु ग्राम प्रधान को डोंगल मनरेगा का रुपया ग्राम पंचायतों के खाते में भेजा जाए, जिससे लेबर और मटेरियल का भुगतान संपन्न सुगमता पूर्वक किया जा सके। जनपद में मनरेगा द्वारा कराए गए कार्यों का बकाया मटेरियल व लेबर के पैसे का तत्काल भुगतान किया जाए। क्या लगता है, देर भुगतान होता है मनरेगा का? हाँ, देर भुगतान होता है और तमाम हमारे प्रधान साथियों ने 10-10, 20-20 लाख का एडवांस काम कराया है। ना तो लेबर का पैसा मिल रहा और ना ही मटेरियल का राजवित का मिल रहा, ना मटेरियल का मिल रहा। सारे के सारे हमारे सम्मानित प्रधानगढ़ इस समय भुखमरी के कगार में हैं और जो हमारे लेबर काम करती है उसका मनरेगा का पैसा आज लगभग 4-6 महीने से नहीं प्राप्त हुआ है। तो ये भारी समस्याएँ हैं और हमारे और कुछ चीज़ें कुछ मांगे हैं। अपडेट मीडिया के लिए बांदा से सुनील यादव की रिपोर्ट।